राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर द्रोणोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों फिलहाल आप जींद, हाँ, और जींद में भाई एक कलाकार मिल गए हैं, मतलब उभरते हुए सितारे कह सका आप। मौज जो ऐप है उसके ऊपर 13.5 लाख फॉलोवर हैं और भाई इंस्टा पर 3.5 लाख हैं, तो आप सोच को भाई कितनी बड़ी वे होंगे। और आज उनने का इंटरव्यू करा, हाँ, और झूलन लाग रहे हैं झूला पे, देख लो जिस तरह था बच्चे झूला कर ना, नो झूला है देख लो। राम राम जी। राम राम सर, बैठ जाओ ना यार। वाह जी वाह, तो मन्ने भी झूलने दो, झूलाओ। हाँ जी, झूला सर, आप भी झूलो। वाह जी वाह, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। कितनी बढ़िया। तो मौज पे कितने बताए आपने सर? 13 लाख हो चुके हैं। 13 लाख हो चुके हैं। हाँ जी। और इंस्टा पे? इंस्टा पे 3.5 लाख है। 3.5 लाख। हाँ जी। अच्छा अच्छा, किस नाम से है आईडी? प्रिया ऑफिशियल। अच्छा, और मौज की भी सेम सेम है। यूट्यूब पे भी है? यूट्यूब पे अब बनाया है 2-3 हफ्ते से चैनल। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो यो भी कर लोगे लाख? पता नहीं सर, लोगों का प्यार सपोर्ट है, अगर प्यार मिला तो भी जाए, ना होए तो फिर ना ही होए। जी जी जी। तो अपना बता दो अपना। सर वैसे तो मैं घोगा से हूँ, घोगा पड़ता भवाना के पास। अच्छा। और जो शादी हुई है वो राजस्थान हुई है। राजस्थान में? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और दूरे कर दी कराड़े ना है। हाँ जी। और फैमिली में कौन कौन है सर? फैमिली में मम्मी पापा, दो भाई हैं, और हस्बैंड की फैमिली में 3 बहनें, 1 भाई, और हस्बैंड पापा मम्मी। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब सुतरा परिवार मिल गया। हाँ जी, कति बढ़िया परिवार है, एक नंबर। मौज आ साल हो गए शादी ने? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। हाँ जी। वाह जी वाह, मौज हो रही है। कति काचे कट रहे जमा। हाँ हाँ हाँ। और वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। अरे सासू बुआ की लड़ाई मचा है? मचा है ना सर, मारना मचती है, मेरी सासू मस्त है। अच्छा अच्छा। इस लाइन में कमांड दे सर। गराड़ा का सपोर्टिव है, इतना खास है नहीं, और मेरे घर वालों का तईब तो है, मतलब शादी होगी तक करण दो भाई। और लेकिन ससुराल का, मेरे ससुर का तो फुल सपोर्ट है, लेकिन जो मेरी सास है, आपको पता है गांव का माहौल ऐसा ही होता है सर, उनका थोड़ा सा रहता है, बाकी और सब ओके हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ सर, जैसे आप लोगों को प्यार मिलेगा जनता का, तो अपने आप ही सोच बदल जाएगी। हाँ जी। तो माता जी, आपकी जो बहू है ना, एक अच्छा काम कर रही है। देखो काम तो बहुत सारी कर रहे हैं, हमें मानना हाँ कि भाई कुछ कम है कि गलत हो जाए हैं, तो देखो अपना आप में जो सही रहे ना, उसके साथ में कदे गलत नहीं होता। और मैडम है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, उभरते हुए सितारे हैं, तो मैडम इस लाइन मान की कुकर सोची सर? इस लाइन में तो ये था कि मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी और वो वायरल हो गई। वायरल हो गई, जैसे प्यार मिला। और डांस का तो था मेरे को क्रेज शुरू से, पहले मेरे को स्पोर्ट्स में क्रेज था, पर पापा ने नहीं जाने दिया मेरे को। डांस से मतलब नहीं था, स्पोर्ट्स में जाना था मुझे, और स्पोर्ट्स में मेरे बहुत सारे मेडल भी आ चुके हैं, नेशनल। हाँ नेशनल, नेशनल। हाँ जी, एथलेटिक में। अच्छा। हाँ जी। तो मैं बस शूट करती थी 100 मीटर का ओनली। 100 मीटर? हाँ। और रिले खेली है मैंने, जो रिले 400 मीटर वाली, वो वाली, उसमें मतलब जहाँ भी गई हूँ फर्स्ट रैंक ही मिली है। इतने सारे मेडल घर पे भी रखे हैं, पर होता है एक पापा ने सपोर्ट नहीं किया, पापा चाहते थे पढ़ाई में निकले, बट ये पढ़ाई भी सर बढ़िया हो गई। और फिर ये है, मैंने टिकटॉक चलाया, घर वाले चुप चुप के चलाती थी। अच्छा, पर फिर वीडियो वायरल हो गई, जैसे आपको पता है मेरे घर में एक ही लड़की हूँ अपने पापा के। अच्छा, अच्छा। तो गांव का माहौल आपको पता है सर, आप इतनी जगह घूमते हो, कैसा होता है। तो मेरे पापा को कभी ताऊ ने बोल दिया, कभी किसी ने बोल दिया, तेरी लड़की वीडियो बनाती है और शादी नहीं होगी, कौन क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या, मतलब हर मतलब कुछ कुछ कर गए। मतलब ये सर मैंने बहुत ही संघर्ष किया अपनी लाइफ में यहाँ तक आने में। मतलब टिकटॉक पे तो मेरे को, मैं पिटी भी हूँ मतलब वीडियोस। अच्छा। के पीछे पापा से कि मतलब फिर भी ये था मन में उम्मीद, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना नहीं है, चाहे मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, हाँ। मतलब पापा ने कहा तू वीडियो नहीं बनाएगी, आईडी बंद कर लो, मतलब बहुत बार अकाउंट को प्राइवेट वगैरह किया, डिलीट करवाया, मतलब फिर भी ये था कि मुझे कुछ भी करके मतलब बनानी है, बस रुकना नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो देखो आज मैडम ने इतना संघर्ष कराया है, अड़ते आए हैं भाई, अगर ये उड़े मतलब बात सुन के रह जाए देगा मैडम की या फिर और किसी की, तो कितो भाई या अपन आज मिल दे, कितना आज आप इनका इंटरव्यू कर दे। तो इंटरव्यू भी नहीं कर रहे हैं भाई, जो आज इनकी पहचान है वो भाई लाखा में है, लाखा में लोग हैं, जनता हुआ इन्हें देखने लाग रही है। तो मैडम सपना क्या है आपका इस लाइन में?
सर सपना तो यही है कि अच्छे अच्छे सॉन्ग दूँ, मतलब जितना जनता ने मेरे को प्यार दिया रील्स पे प्यार दिया, अब ये है कि भाई इतना प्यार दिया तो आगे शुरू करूँ। तो बस यही है कि मेरे को एक अपने लिए, मतलब मेरे को जैसा डांस आता है, मैं ये नहीं कहती बहुत अच्छा आता है, लेकिन जैसा भी आता है लोग तारीफ़ करते हैं, आज तक सबने तारीफ़ ही की है, कि मैं एक डांस अकेडमी ज़रूर खोलूँगी बच्चों अच्छा, के लिए अच्छा। हाँ जी बिल्कुल कि और ये मैं उन बच्चों को सिखाना चाहूँगी जिनके पास मतलब ना तो पैसे हैं सीखने के लिए और ना ही कोई सिखाना चाहता है, तो मैं उन बच्चों को सिखाऊंगी। और ये भी नहीं कि इतनी हाई फीस लूंगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने संघर्ष किया मैं यहाँ तक आई हूँ, क्या पता उनमें से कोई और ऊपर चला जाए, तो मैं ये चाहूँगी उस एकेडमी में। ठीक बात है बिल्कुल। हाँ जी तो आपके गुरु कौन है इस लाइन में? सर गुरु तो कोई नहीं है, मैंने सीखा किसी से भी नहीं। अच्छा। बस हाँ जी पहले तो मैंने, मेरे को डांस आता ही नहीं था, दूसरी बात सब मजाक उड़ाते थे, फिर जब अच्छा। सपना मैम आई, मेरी आइडल रही है सपना मैम और अच्छा। रहेंगी, तो मतलब यही मान लो मेरी गुरु ही सपना मैम रही है। अच्छा, मिली हाँ नहीं मिली नहीं आज अच्छा। तक, लेकिन मिलना जरूर चाहूंगी, मतलब जब से वो आई उनका मैंने डांस देखा, मैंने सबसे पहला सॉन्ग उनका देखा था सॉलिड बॉडी, जो उनका स्टेज डांस था, मतलब उस डांस से मैंने इतना परफेक्ट, एक सॉन्ग से इतना परफेक्ट सीख लिया कि अगर आप मेरे को आज 10 में खड़ा कर दोगे तो मैं ये मतलब 10 ये बोलेंगे कि हाँ अच्छा किया है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया उनको देखे। और दूसरी जब सपना मैम के कई बार इंटरव्यू देखे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया यहाँ इस लाइन में, वो आना नहीं चाहती थी, वो पढ़ाई किसी और उसकी पढ़ाई कर रही थी, और फिर मतलब उनके पापा के चलते उनको आना पड़ा, मतलब ये मान लो कि आइडल है तो आइडल का सब कुछ पता है कि उन्होंने कितना संघर्ष करके वो यहाँ तक आई है, और लोगों ने उनको भला बुरा भी बोला कि इस लाइन में है ये वो, पर उन्होंने अपना घर चलाया है यहाँ पे आके, मतलब यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो वहाँ तक गई जहाँ तक हरियाणा की लड़की सोच भी नहीं सकती, बिल्कुल। बिग बॉस में मतलब कोई छोटा शो नहीं है सर बिग बॉस, और वहाँ तक उन्होंने एंट्री की, मतलब पहली लड़की वो ऐसी हरियाणा की जो वहाँ तक गई। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम जिस तरह आप कह रहे हो कि इस लाइन में जो लड़की आती हैं उनके साथ में जिस तरह कुछ गलत भी हो है सर, देखो ये तो जहाँ जैसा माहौल वहाँ से शूट करते हैं, शूट करता है कि भाई कैसे माहौल में है, और दूसरी बात ये सर अपने पे डिपेंड होता है, अगर आपको जरा सा भी ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप मत जाओ, ये तो बिल्कुल ही मना कर दो सामने वालों की, मुझे जाना ही नहीं है मैं नहीं कर सकती, और बाकी आपको कहीं से भनक लगते है कि भाई वहाँ ऐसा होता है तो वो काम छोड़ दो, बात खत्म। अपने पे सर अपने पे कंट्रोल रखो, मैं तो ये मानूंगी कि मतलब फेमस होने के लिए शॉर्टकट मत अपनाओ, अपनी मेहनत से जाओगे ना तो दुनिया वाह वाह करेगी बिल्कुल सलूट करेगी। बिल्कुल 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 सही बात है। तो मैडम इस लाइन में जिस तरह आप आए हो, गाना कराया है, तो पहला गाना कौन सा था आपका? सर पहले मेरे 5 गाने आ चुके हैं जानू राखी के सर यहीं पे, मतलब मेरा पहला शूट भी यहीं थे गानों के अच्छा। और दूसरे शूट भी अब यहीं पे है, तो वो जानू राखी सर के होली के गाने मेन मॉडल में या फिर नहीं मेन में। हाँ जी मैंने मतलब 6 के 6 गाने मेन में ही किए हैं, बैक में नहीं किए, और वो गाने भी सही चले हैं, बट इससे मुझे इस गाने से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि डीजे सॉन्ग है, और मेरे को शुरू से सबसे यही है कि मुझे डीजे सॉन्ग करना है, मुझे डीजे सॉन्ग करना है, क्योंकि सर मेरे को डांस पसंद है, मेरे से एक्टिंग नहीं होती रोने वोने वाली अच्छा। तो वो वाली एक्टिंग नहीं होती, मेरे को हंसी आ जाती है जैसे रोने की एक्टिंग होती है, मुझे डांस की एक्टिंग ही पसंद। तो इस वीडियो को जो आपका पति देव हो वो भी देख रहा है, तो उनसे क्या कहना चाहोगे? जी मेरे पति देव को बिल्कुल दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, शादी से पहले ये है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि फैमिली के सामने आपको भी पता सर कोई नहीं बोलते, ऊपर से मेरे पापा थोड़े गुस्से वाले थे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ लेकिन शादी के बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और जैसा हस्बैंड मुझे मिला कि इस लाइन में इतना सपोर्ट कर रहा है, वैसा भगवान सबको दे, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे लगते हैं। पॉइंट मिला मैंने कहा था जी। तो मैडम आपने कही है कि सब न मिला जी है? बिल्कुल सब न मिला कति एक नंबर का आदमी मिला मैंने, भगवान सब न दे मेरे जैसा, मेरा तो मेरा रहने दे मेरे जैसा सब तो दे जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर जी। तो भाई यह वीडियो आपने किसी की लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, और जो मैडम की आईडी है वह भाई जो आपने सुने ली होगी, और जरूर भाई मैडम की जो आईडी है उसने टैग करो, और मैडम कोई भाई कमेंट करे तो उसका जवाब जरूर दूंगी। हाँ जी बिल्कुल कमेंट करेगा, बिल्कुल जवाब दूंगी, कुछ भी कमेंट है कुछ भी पूछना है आप मेरी वीडियोस पे कमेंट कर देना, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी अगर आपका कोई अच्छा मैसेज होगा तो जी।
अच्छा, फिर जिस तरह आप दो मैसेज भी आओ हैं कई बार, देखो लड़के से भी आओ हैं वे आई लव यू बोल दे, आई मिस यू बोल दे, तो घर आला झड़ा तो नहीं सारी बात? नहीं सर, वो तो अब लाइन ही ऐसी होगी सर, सो बोल रहा है सब की सुनेंगे तो क्यों कर काम करेंगे, आपने भी मेरा इस लाइन में अगर सब की सुनने लगे तो फिर तो काम ही ना कर सकते। और दूसरी बात सर, मैं इग्नोर करती हूँ, ये नहीं कि मैं जाके भिड़ने लग जाऊँ उसको, इग्नोर करना बहुत जरूरी है लाइफ में। जो हमें ये पता है ना कि इग्नोर से जा सकते हैं, मामला सॉल्व हो सकता है, तो उस पर लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। चलो हाँ जी।